सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रिंस सुनियाल। खबर कपूरथला तो आ रही है जिथे जेल के कैदियों को ही जानलेवा हथियार बरामद हुए ने। तुहानू दस दिए कि पुलिस प्रशासन के भाजड़ा पै जाती है, सनसनी फैल जाती है। जो कैदियों को चैकिंग की जाती है तो सूए बरामद होंगे, चाकू बरामद होंगे, तो लोहे के होर भी जानलेवा हथियार बरामद होंगे। तो तुहानू दस दिए कि इस को फोन भी बरामद होंगे, तो सिम कार्ड भी बरामद होंगे। लगातार जिथे भगवंत मान की सरकार एक्शन मूड के नज़र दिखाई दे रही है जेलों में लैके, जिथे भगवंत मान की सरकार ने यह ऐलान किया कि जेलों के लगातार फोन मुक्त जिहड़ा अभियान चलाया जा रहा, फोन मुक्त किए जाएंगे जेल। तो इस दौरान जो चैकिंग की गई तो अज कैदियों को जानलेवा हथियार बरामद किए गए, तो पुलिस प्रशासन उत्थे हैरान होंदा नज़र दिखाई दिता। तो तुहानू दस दिए कि कपूरथला मॉडर्न जेल के हवालातियों को मोबाइल फोन, लोहे दियां बनाए चाकू, सूए बरामद होने के मामले संबंधी पुलिस ने चार कैदियों से FIR दर्ज की है। इस दौरान शिकायत के सुपरिटेंडेंट अब्दुल हमीद ने दसिया है कि जेल अंदर तलाशी दौरान फोन, बैटरियां, सिम कार्ड, एक चार्जर, एक डाटा केबल एंड एक एयरफोन, इस ही जोड़े खतरनाक हथियार बरामद हुए ने। 7 चाकू और 7 लोहे के बनाए हुए सूए, तो 7 लोहे के बनाए हुए छैनिया भी, लोहे की छैनिया भी बरामद हुई हैं। तो की मकसद है उन्होंने कैदियों का इन्हों जानलेवा हथियारों के कोल अपने कोल रखना जेल के अंदर, कितना कितने वड्डे सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल भगवंत मान की सरकार जिथे वड्डे ऐलान करती नज़र दिखाई दिती है जेलों को लैके, उत्थे ही तुहानू दस दिए कि जेलों के लगातार कार्रवाई होंगी नज़र दिखाई दे रही है। जेलों के जानलेवा हथियार मिलना कितने ना कितने वड्डे सवाल खड़े करता है कि कैदियों इन्नी खुल क्यों दिती गई है, कैदियों को हथियार कितों आते हैं, कैदियों को फोन कितों आते हैं। हालांकि तुहानू दस दिए कि भगवंत मान की सरकार ने एक ऐलान किया कि जिन्हों को सिम कार्ड बरामद होगी, और जे सिम कार्ड जिस व्यक्ति के नाम पर होगी उससे जोड़ा परचा दर्ज होगा, तो की कार्रवाई होंगी आने वाले दिनों वेखना बाकी होगा। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने यह इतला किया कि कैदियों को जानलेवा हथियार बरामद होया, इस दौरान मोबाइल फोन भी बरामद होया। वे सवाल खड़े हो जाते हैं कितने ना कि, क्योंकि कैदियों को जेकर अजिहे जानलेवा हथियार मिलन लग जा, किवें कैदियों के कोल इन्नी खुल दी जाती है जेलों के, किवें कैदियों के कोल एडे जानलेवा हथियार तो मोबाइल फोन पहुँच जाते हैं। कितने ना कि पुलिस प्रशासन रलदा नज़र दिखाई देता इन्हों के नाल, जेकर उन्होंने कोल फोन पहुँचते हैं कितों पहुँचते हैं, यह वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है। तो प्रशासन की कर रहा, प्रशासन नूं क्यों नहीं इसते जिहड़ी कार्रवाई करन दी गल बनती है। तो हुण जो भगवंत मान की सरकार आउंदी है, भगवंत मान की सरकार लगातार कार्रवाई करता नज़र दिखाई दे रहा है। भगवंत मान की सरकार ने जिथे जेलों नूं लैके वड्डे ऐलान किए, जेल मंत्री हरजोत बैंस भी लगातार जेलों के छापे मारते नज़र दिखाई दिए, उत्थे ही हुण जेल सुपरिटेंडेंटां नूं जिहड़ियां भाजड़ा पैंदियां नज़र दिखाई दित्तियां ने। पंजाब के वख-वख जिलों के कई अनेक अजिहे केस आए ने जिस दे विच फोन बरामद हुंदे आ, तां जेल सुपरिटेंडेंट हुण किते ना किते सख्त हुंदे नज़र दिखाई देणगे। जगबाणी ते इस वेले दी अहम खबर दिखाउण दा इह मकसद है कि जेलां दा सुधार किया जाए, कैदी जेकर खौफनाक जड़िया घटनावां नूं अंजाम दे सकते हैं जिहे जानलेवा खतरनाक हथियारां दे नाल। इस दौरान ही मोबाइल फोन, सिम कार्ड जिहड़े उन्हां कोल बरामद होया, वो एक इह सवाल खड़ा करदा कि जेलों के अंदरों ही नशा तस्करां दा काम किया जाता, जेलों के अंदरों ही धंधे किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, नकेल कसनी चाहिए सरकार नूं। वड्डे सवाल मैं भी खड़े करदा प्रशासन के उत्ते कि प्रशासन कदों इसका जिहड़ा पूरा जेल मुक्त जिहड़ा जेल के चंगा सुधार कर बनाया जाएगा। हालांकि भगवंत मान ने कहा कि जिहड़ी पंजाब दीआं जेलां ने वो सब तो वधिया जेल प्रणाली बनाई जाएगी पूरे मुल्क दे विच, तां इह मिसाल पैदा की जाएगी। भगवंत मान ने यह कहा कि उस दे उत्ते काम हुंदा नज़र दिखाई दे रहा, जां फिर जिहड़ियां लगातार वधदियां वारदातां नूं लैके प्रशासन ने काम करदा नज़र दिखाई दे रहा। तुहाडे नाल मैं तस्वीरां सांझियां कर रहा जिस दे विच कैदियों के कोल जिहड़ा डॉग स्क्वाड है चैकिंग करदा नज़र दिखाई दिता है। उस दौरान पुलिस प्रशासन भी लगातार नज़र रखता नज़र दिखाई देता है, तो लगातार कार्रवाइया तो कार्रवाई होंगी नज़र दिखाई दे रही। जिथे इन्हां जेलों के वड्डे वड्डे गैंगस्टर बंद ने, कि उन्हां दा भी धंधा चलता है, उन्हां दा भी नशा तस्करां दा धंधा चलता है, ये वड्डे सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल जिहड़ी जगबाणी ते एक खबर इस करके सांझी कर रहे हैं क्योंकि जेलों के जानलेवा हथियार मिलन के नाल किवें देखते हो तुसी, ये साढ़े नाल भी जरूर राय सांझी करो कि इस दे पिछे हाथ किसदा है, इस दे पिछे जेकर जेलों के अंदर जानलेवा हथियार जिहड़े जानलेवा
फोन जिहड़े कह सकते हैं जिहड़ा धंधा करन दा काम बन जांदा उह किवें मिलदे ने, उस दे पिछे कारण की रह जांदा है, क्यों इस दे पिछे की कारण रह सकदे, की धंधे चलाए जांदे आ, इह अहम गल हो सकती है। फिलहाल जिहड़ी जगबाणी तुहाडे नाल खबर सांझी कर रहा, क्यों इस दे पिछे किस दा हथ हो सकता है और किवें प्रशासन तो लुक छुपा के कैदी फोन अंदर अपने कोल रखदे ने, लगातार हुण कारवाइयां हुंदियां नज़र दिखाई दे रहियां ने। फिलहाल जगबाणी ते अहम खबर है, तो इस दौरान जो जेल के सुपरिटेंडेंट नाल भी गलबात की गई तो उन्होंने इस दे पिछे सारी कार्रवाई बारे दस्या कि किवें जेल दे विच कैदियों को सब बरामद होया, जानलेवा हथियार बरामद होया, फोन सिम कार्ड बरामद होया, कि जेल सुपरिटेंडेंट की आने वाले दिनों कार्रवाई रहेगी और किवें देखते हो कि हरकत हो रही जेलों के उन्हों का इसते की कहना सी, आओ सुनते हैं। इस दे विच सर्च दौरान सानू पुलिस पार्टी नू सत्त लोहे दे चाकू बनाए हुए चिमचियां नू दिखा करके बैक साइड सत्त लोहे दे सूए बरामद हुए आ, एक शैनी लोहा कटन वाली आ, मोबाइल फोन, दो बैटरियां, एक चार्जर, केबल डाटा ते हैडफोन जिहड़े बरामद हुए वख वख बैरकां दे विच। ये चारा बंदिया ते जिहड़ा परचा दर्ज होया आ, एक इहदे विच हैगा तीर्थ सिंह एलियस जीओना, अवतार सिंह नवा पिंड भट्ठी तों, दूजा च हैगा साहिल पुत्र सोमराज, ये बस्ती बाबा खेल जलंधर तों आ, डिवीजन नंबर 7, मनी सिंह एलियस माऊ पुत्र सुच्चा सिंह, ये है गुरदासपुर तों, ते मलकीत सिंह फौजी एलियस मीता सन ऑफ सुखदेव सिंह, ये वार्ड नंबर 12 तरन तारण दे आ जी। इन्हां दे कोल जिहड़ा समान रिकवर होया जेल की तलाशी दौरान, इन्हां सारिआं नूं हुण प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा जाऊगा। प्रोडक्शन वारंट ते लिआ के इन्हां बारे सारी जिहड़ी आ डुंघाई दे नाल जांच की जाऊगी भी ये समान जिहड़ा ये कित्थों लै के आए, किस व्यक्ति दे कोल लै के। सर पहले भी इन्हों कोई मुकदमे दर्ज है? हाँ जी, इन्होंने पहले भी मुकदमे दर्ज है, जिन्हें जेल के विच दर्ज रह रहे हैं। ये जिहड़ा तीर्थ सिंह इत्थे मुकदमा नंबर 150/2019 का जेल धारा 22-39-61 NDPS एक्ट थाना सदर कपूरथला वालों। दूसरा व्यक्ति जिहड़ा बंटी साहिल पुत्र सोमराज, ये मुकदमा नंबर 19/10/2020/302/148-49 डिवीजन नंबर 6 जलंधर, इस मुकदमे तहत बनता। इस तो अलावा मनी सिंह उर्फ माऊ पुत्र सुच्चा सिंह जिहड़ा 302/379/411 IPC थाना सिटी बटाला गुरदासपुर, वो बनता। चौथा जिहड़ा बंदा है मलकीत सिंह एलियस फौजी पुत्र सुखदेव सिंह, ये गुरु रामदास कलोनी वार्ड नंबर 12 थाना पट्टी जिला तरन तारण, ये मुकदमा नंबर 6/21/2015 223/224 IPC थाना GRP अमृतसर, इस मुकदमे इतने केंद्रीय जेल कपूरथला बंद। सर इन्हों का कोई संबंध गैंगस्टर गैंगवार के नाल? नहीं, जेडे ये तो हम जो तफ्तीश अमल के लिया जाऊगी उदो जी सारी सच्चाई है वो सामने आ। तुम की लगता कि हो सकता है कि अंदर जरा वा कोई गैंगवार जहाँ जो चाकू वगैरह तैयार कर रहे थे, तो हो सकता है कि कोई अनसुलानी घटना गैंगवार ही हो सकता है? देखो जी, ये बारे तो शक ही आ भी ये किस किस कोई ना कोई वारदात ये जेल के अंदर कर सकते किसी जख्मी कर सकते। बाकी जी हम इन प्रोडक्शन वारंट से लियावे, जिहो जिहे हालात सामने आए तफ्तीश के, उहो जी कार्रवाई जी अमल के लिया।